गाइस आज की इस वीडियो में हम इस टाइप के होली ट्रेंडिंग 3D AI कपल्स इमेज बनाने वाले हैं, वो भी वन क्लिक में। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक टाइप से नहीं बल्कि कई टाइप के प्रॉम्प्ट भी देने वाला हूं, जिसे यूज करके आप और भी स्टाइलिश यहां पे इमेज बना सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस ऐसी इमेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है बिंग इमेज क्रिएटर। जैसे आप बिंग इमेज क्रिएटर सर्च करोगे आपके सामने यह वेबसाइट एक नंबर पे आएगा। सिंपली आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है और जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस ओपन होता है। अब सिंपली यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल रहा है प्रॉम्प्ट टाइप करने का, तो यहाँ पे आपको अपने इमेज का प्रॉम्प्ट मैन्युअली टाइप नहीं करना है। सबसे पहले आपको जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जिस भी टाइप के इमेज दिखेगा जस्ट उसके नीचे आपको उसका प्रॉम्प्ट मिल जाएगा और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक टाइप से नहीं बल्कि कई टाइप्स के इमेज मिल जाएंगे और उसका प्रॉम्प्ट भी मिल जाएगा। तो आपको जो भी इमेज पसंद है सिंपली आपको उसके प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और यहाँ पे सिंपली आपको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आप इस प्रॉम्प्ट में चेंजेस करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे नाम को चेंज करना है तो सिंपली यहाँ पे नाम को चेंज कर देना है और फिर यहाँ पे जो आपको ईयर का ऑप्शन मिल जाता है इसे आप चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 18 ईयर टाइप किया है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पे क्रिएटिंग लिखेगा और सिंपली आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है और आपके सामने यहाँ पे 4 इमेज बन जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज बनकर रेडी हो गया है और हमारे सामने यहाँ पे शो हो गया है। अब इसमें से आपको जो भी इमेज पसंद है सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है 3 डॉट का, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यह इमेज आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से इमेज को सेव कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे जो इमेज बनकर रेडी हुआ है, अगर आप ऐसी इमेज में यहाँ पे ड्रेस चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे जो ड्रेस इसमें टाइप हुआ है उस ड्रेस को इरेज करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रेस को टाइप कर देना है और आपके सामने यहाँ पे उस ड्रेस पे इमेज आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 4 इमेज शो हुआ है इसमें से आपको कोई भी इमेज पसंद नहीं है या फिर आप इसी प्रॉम्प्ट पे और भी यहाँ पे इमेज बनाना चाहते हो तो सिंपली आपको फिर क्रिएट पे क्लिक करना है और आपके सामने इसी प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे फिर से 4 इमेज बनकर रेडी हो जाएगा। अब सिंपली आपको इस इमेज पे क्लिक करना है और फिर आपको 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करके इस इमेज को सेव कर लेना है। इस प्रकार से आप यहाँ से इमेज को बना सकते हो और अपने गैलरी में सेव कर सकते हो। तो गाइस इस प्रकार से आप काफी आसानी से मेरे टेलीग्राम चैनल से प्रॉम्प्ट कॉपी करके और यहाँ पे आप पेस्ट करके इस वेबसाइट से अपने इमेज को बना सकते हो। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसी वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।